ये देखिए हम आ गए हैं डिज्नी वर्ल्ड मैजिक किंगडम में, जहाँ सारी प्रिंसेसेस देखने मिलेगी हमें, यहाँ का मैजिक वर्ल्ड देखने मिलेगा। और वो देखिए मैजिक कैसल, सिंड्रेला कैसल, जिसमें जो हर डिज्नी की मूवी में दिखाई जाती है, जिस जो डिज्नी के लोगों में दिखाई जाती है। और हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, हर रोज़ कितने सारे लोग आते हैं। और हम पहुँच गए हैं वो मैजिक कैसल पे, और यहाँ कुछ परफॉर्मेंस हो रहा है। ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे। और सुबह के सुबह सुबह का टाइम था, हम तकरीबन 11 बजे यहाँ पे आए थे। बहुत खूबसूरत है, यहाँ जब जाना होता है बच्चों के साथ तो एक स्ट्रॉलर लेकर ज़रूर जाइए, क्योंकि बच्चे इतना चल नहीं पाते। ये देखिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये देखिए कितना सुंदर बना रखा है सब। और यहाँ पे हर जो एक है सेक्शन, उसके अंदर जाके कुछ ना कुछ उसके अंदर है देखने के लिए। ये देखिए वो पीटर पैन, वो मैजिक कैसल, चलना बहुत होता है यहाँ पे, और लंबी लंबी कतारें होती है, बहुत लंबी लंबी लाइन लगानी होती है। तो हम जो पहले राइड्स पे गए वो था, माफ़ करिए राइड्स पे नहीं गए हम, पहले सबसे पहले हम लोग गए मिलने के लिए प्रिंसेस से, जो टियाना और रैपंज़ल है उससे मिलने के लिए गए हम, और परी बहुत एक्साइटेड थी। ये देखिए कितने प्यार से टियाना ने परी को अपने साथ लेके गई, और इतने प्यार से उसके साथ बातें करी, फ़ोटो खिंचवाई। और वो देखिए बाजू में रैपंज़ल, रैपंज़ल अपने बाल दिखा रही है, और बहुत प्यार से वो बच्चों से बातें करती है। आप भी उसके साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, यहाँ आप सारी प्रिंसेसेस से मिल सकते हैं। अब हम बाहर गए, अब हम जाएंगे दूसरी राइड्स की ओर कुछ और देखने। और जैसा कि मैंने बताया बहुत चलना है आपको, और बहुत देखिए कितनी कितनी भीड़ है। ये डम्बो, डम्बो मूवी तो आपको याद ही होगी, जिसमें एक हाथी होता है जिसके बड़े बड़े कान होते हैं और वो उड़ सकता है। तो हमने इस राइड का मज़ा लिया। ये देखिए यहाँ पे हर जगह हर चीज़ बहुत सुंदर है। ये यहाँ पे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ये इंतज़ार कर रहे हैं किस लिए, ये इंतज़ार कर रहे हैं जो फायरवर्क होता है कैसल के ऊपर उसके लिए। पहले से ही लोग जमा हो जाते हैं उसके उसके लिए, क्योंकि बहुत भीड़ हो जाती है और वो बहुत मैजिकल होता है। अब हम बढ़ रहे हैं दूसरी राइड की ओर, चलते चलो चलते चलो। और अपने बच्चों को संभाल के रखिए, अपने पास रखिए, क्योंकि वो खो सकते हैं इतनी भीड़ में। क्योंकि हम क्रिसमस के टाइम गए थे इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा क्रिसमस ट्री भी रखा हुआ था। ये देखिए कितना अच्छा सजा के रखा है। अब हम आ गए पीटर पैन वाली राइड में, और ये देखिए ये जो उड़ने वाली बोट है ये चलती रहती है, स्टॉप नहीं होती, आपको इसमें चलते चलते ही चढ़ना है। और लंबी लाइन देखिए, फाइनली हम आ गए इसमें, और अब हम जा रहे हैं। बहुत मैजिकल लगता है, आपको सच में लगेगा कि आप पीटर पैन की दुनिया में आ गए और पीटर पैन के साथ उड़ रहे हैं। फिर से यही वही कैसल देखिए, और करीब से सिंड्रेला कैसल। अब आप कहीं और जा रहे हैं कोई और राइड के लिए। ये देखिए अब हम बैठ गए हैं अपनी राइड के लिए। बहुत अच्छी बहुत राइड्स है, और बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए पानी के ऊपर ये राइड्स है, अंदर ले जाके हम लोगों को ये दिखाएंगे।
स्मॉल वर्ल्ड जिसमें सारी दुनिया की जो कंट्रीज है उसकी छोटी छोटी झलकें दिखाएंगे। म्यूजिकल है, बहुत म्यूजिकल है। देखिए फायरवर्क शुरू हो गया है। मुझे ज़्यादा देखने का मौका नहीं मिला क्योंकि बहुत भीड़ हो जाती है, बहुत गजब की भीड़ हो जाती है। बहुत लोग दो चार घंटे पहले से ही आ जाते हैं, पाँच छः घंटे पहले से ही आ जाते हैं सिर्फ ये फायरवर्क। बहुत मैच है, बहुत मैच है। देखिए हमने यहाँ से भी देखने की कोशिश की बट इतनी भीड़ होती है, लोग सिर्फ स्पेशली ये देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ओह माय गॉड इतनी भीड़ है लोगों का, इतना तांता लगा हुआ है, क्या बोलें। ये देखिए डिज्नी का जो कैसल है वो रात में कैसे अलग अलग तरह से वो लोग लाइट जला के रखते हैं। और ये देखिए रात में सब कुछ इतना लाइट जल जाता है, इतना खूबसूरत लगता है। वही कैसल है सिंड्रेला कैसल जो हमने दिन में देखा तो अलग दिख रहा था, अब रात में देखा तो अलग दिख रहा है। ये देखिए रात तक हम बस चलते चले क्योंकि बहुत चलना है जैसा मैंने बताया था। तो ये रात को 11 बजे तक खुला रहता है। देखिए कितना खूबसूरत है ये। अब हम आए हैं एक और राइड पे, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी का है उसका राइड है, वो भी पानी के अंदर से ही है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत है ये पूरा पायरेट्स ऑफ कैरेबियन का। आपको जो झलक है वो पूरा मिल जाएगा, आपको लेके जाएंगे ऐसे पूरा राइड्स में अंदर से पूरा। और सब कुछ इतना रियल लगता है और इतना मैजिकल लगता है। ये हमने क्रूज का जो उनका जो शिप होता है उसका राइड लिया।
और वहाँ से वो पूरा जो मैजिक किंगडम है पूरा पानी से पूरा घुमाते हैं। ये देखिए रात में कितना मैजिकल दिखता है। और ये कुछ वाटर स्प्लैश वाला राइड है ये, जो हम नहीं जा पाए क्योंकि शाम को थोड़ी थोड़ी ठंड हो गई थी।